ये भाई काम के हालात चेक करें, मैं आपको चेक करवाता हूँ। मेरे भाई काम इतना एक डाउन हो चुका है कि हम सोच भी नहीं सकते। हमारी सोच भी नहीं थी कि इतना एक डाउन होगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखें, ये मैंने 1 बजे लॉगिन किया, अभी 3:05 हो रहे हैं। एक ऑर्डर मैंने किया है, ये 2 जो कि अनसाइन वाले हैं ये कल के हैं। तो अभी ये देखें कि एक ऑर्डर हुआ है, 1 बजे लॉगिन किया है, मतलब 2 घंटों में एक ऑर्डर हुआ है। मेरे भाई डिलीवरों का काम बिल्कुल कम हो चुका है, तो मेरे भाई इस चीज़ से ख्याल करें। तो अभी वो काम के पहले वाले हालात नहीं है, पहले वाला काम नहीं रहा डिलीवरों का, तलबात का। तो आप लोग मतलब के इस काम से थोड़ा मतलब देखभाल के करें, क्योंकि ये अभी काम पहले की तरह नहीं है। एक ऑर्डर हुआ है अभी तक 2 घंटों में, तो अभी पेट्रोल के पैसे भी नहीं निकलते। शाम तक ज़्यादा से ज़्यादा ये करा देंगे, 10-12 करा देंगे। अस्सलाम वालेकुम, जैसे कि आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल खिजरा 1122। उम्मीद है कि सब दोस्त भाई खैरियत से होंगे। जो जो दोस्त भाई मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं वीडियो स्टार्ट। ये जो कि यहाँ से एंट्रेंस है दुबई हिल्स मॉल की, तो अभी यहाँ से एंटर होते हैं, अंदर चलते हैं पापा जॉन से जो के ऑर्डर पिकअप करते हैं, तो फिर चलते हैं वापस अपनी बाइक की तरफ। अभी जो कि मैंने यहाँ से एंट्रेंस करनी है, मैंने यहाँ से एलिवेटर से ऊपर जाना है, क्योंकि सिक्योरिटी वाला बोल रहा है ऊपर जाओ फूड कोर्ट में, तो वहाँ पर आपको पापा जॉन मिलेगा। तो अभी ये जा रहे हैं ऊपर, तो यहाँ पे है फूड कोर्ट, देखते हैं कहाँ पे। इस तरफ ही बोल रहा था कि फूड कोर्ट है, लेकिन अभी तक मुझे पापा जॉन नहीं मिल रहा। आगे चलते हैं, देखते हैं। ये दुबई हिल्स मॉल है जो के, तो ये मैं ऊपर 1st फ्लोर पे हूँ, नीचे ग्राउंड फ्लोर है, मैं ऊपर 1st फ्लोर पे हूँ। तो ये आगे चलते हैं, देखते हैं कहाँ पे है फूड कोर्ट। पापा जी, पता नहीं गुब्बारों से कुछ बनाया हुआ है इन्होंने, गुब्बारे है पता नहीं क्या चीज़ है, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये चीज़। नीचे ग्राउंड फ्लोर है, ऊपर अभी पता नहीं कहाँ पे है पापा जॉन्स, इसी साइड पे होगा। ये तो पिज़्ज़ा हट है, बास्किन रॉबिन्स है जी सामने, पापा जॉन्स जो कि मैं पहुँच गया हूँ। ये ऊपर वाला फूड कोर्ट है, तो ये पापा जॉन है, यहाँ से मैंने ऑर्डर लेना है। लिज रेस्टोरेंट, उसके बाद सबवे है, तो ये यहाँ पे पूरा जो कि फूड कोर्ट है, मैकडोनल्ड्स भी है, और मतलब पूरा फूड कोर्ट बना हुआ है ये। तो अभी मैंने यहाँ से पिकअप करना है ऑर्डर, यहाँ पे KFC और पिज़्ज़ा हट है इस तरफ, तो अभी मैंने यहाँ से ऑर्डर पिकअप करना है इस जगह से पापा जॉन से। अभी यहाँ से ऑर्डर पिकअप करते हैं, तो जो कि मेरा ऑर्डर नंबर है, ऑर्डर नंबर मेरा कौन सा है, मैंने अभी तक अराइव भी नहीं किया। ये है जी पापा जॉन्स, और ये है ऑर्डर नंबर 9502। तो ये एक ही पीस है, एक ही आइटम है। तो अभी वो बोल रही है कि वेट करें, तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैंने बैग रख दिया है, बैग भी आज बिल्कुल शॉपर से न्यू निकाला है। तो अभी उठाते हैं ऑर्डर, देखते हैं कितनी देर में मिलते हैं, अभी तो कस्टमरों को दे रहे हैं। ओके, 1st फ्लोर पे है फूड कोर्ट, नीचे एलिवेटरों से ऊपर आएंगे, तो ये 1st फ्लोर पे है, इस तरफ भी है, तो ये पूरा जो पूरा फूड कोर्ट ही है। ओके, बिल्कुल छोटा सा पिज़्ज़ा है, तो ये अभी एक ही आइटम था, वो मैं लेके जा रहा हूँ। अभी चलते हैं बाइक के पास, बाइक तो मेरी काफ़ी दूरी है, तो वहाँ पर चलते हैं। तो आगे यहाँ से मैं स्ट्रेट जाऊँगा, फिर लेफ्ट करूँगा तो अपनी बाइक के पास। यहाँ पे जो के मास्क उतारना तो नहीं चाहिए, सिक्योरिटी वाले मना करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा नीचे करके जा रहा हूँ, क्योंकि अभी फिर से मतलब मास्क लगाना लो कर दिए। तो ये जो के भाई 10 मिनट का रास्ता है, तो अभी निकलते हैं ऑर्डर लेके, यहाँ पे लोकेशन चलाएंगे, ये गूगल मैप है, तो ये हमारी लोकेशन चल गई, 15 मिनट का रास्ता बता रहे हैं। सभी गाड़ियों वालों को
सवारियां मिल रही हैं, मुझे कोई सवारी नहीं मिल रही। मैं लारी अड्डे पर ठहरा हुआ हूँ, तो देखते हैं कोई सवारी आ जाती है तो चलते हैं। मैकडॉनल्ड का ऑर्डर जो के ले कर जा रहा हूँ मैं, तो ये लास्ट ही ऑर्डर है। ये बाइक ठहरी हुई है सिर्फ, तो इसके बाद जो के मेरी ब्रेक होने वाली है, 1 घंटे की ब्रेक है, फिर वो ब्रेक गुजारेंगे, उसके बाद फिर 11 बजे तक। तो ये यहाँ से मैंने ऑर्डर उठाया, पिकअप किया है, रखते हैं यहाँ से भाई। इस रेस्टोरेंट से मैं ऑर्डर उठाने के लिए आया हूँ। तकरीबन ये ऑर्डर मुझे पड़ा था बरारी में, तो वहाँ से आने में भी टाइम लगा है मुझे, और अभी इधर आया हूँ, अभी बोलते हैं ऑर्डर रेडी नहीं है। ये तो इनके काम है, अंदर 3 लड़के ठहरे हुए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। बिल्कुल छोटा सा आइटम है, 3 आइटम है बिल्कुल छोटे से, पर वो भी अभी तक इनसे रेडी नहीं हुए, क्योंकि 25 मिनट मुझे आने में लग गए, और यहाँ पे देखें कि 10-15 मिनट यहाँ पे हो गए वेट करते हुए, तो ये अभी तक ऑर्डर रेडी नहीं है। इस टाइम काम का टाइम होता है और ये लोग वो टाइम ज़ाया कर देते हैं, क्या करें यार। इस टाइम बिल्कुल काम चढ़ा होता है, मतलब कि सही काम उठा हुआ होता है, तो ये लोग देरी ख़त्म करते हैं हमारा टाइम।